दोस्तों, जैसे कि आईपीएल 2020 का ट्रेड विंडो बंद हो गया है, तो सभी टीम को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट निकलवाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन बीसीसीआई ने यह टाइम बढ़ा के 15 तारीख के 5 बजे तक कर दिया है। और उसी के दौरान मुंबई इंडियन के टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के साथ कर दी है एक और ट्रेड फाइनल। जी हाँ दोस्तों, एकदम आखिरी समय में हुआ यह ट्रेड और मुंबई के युवा खिलाड़ी ट्रेड के जरिए आ गए कोलकाता के टीम में। तो कौन है वो खिलाड़ी, उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी आईपीएल का फैन है और इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले साल के आईपीएल का चैंपियन मुंबई इंडियंस ने अपने बल्लेबाज सिद्धेश लेड को कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम के साथ ट्रेड कर चुके हैं। तो आईपीएल 2020 के ट्रेड विंडो में करीब 11 खिलाड़ी का ट्रेड कंप्लीट हुआ था और आखिर में एक और खिलाड़ी जुड़ गए इस लिस्ट में। तो जैसे ही आईपीएल फ्रेंचाइजी ने रिटेन और रिलीज प्लेयर के लिस्ट के टाइम बढ़ा के 15 तारीख के शाम तक कर दिए है, और इसी का फायदा उठाते हुए मुंबई इंडियंस ने अपने 5 साल के पुराने खिलाड़ी को कोलकाता के साथ ट्रेड कर चुके हैं। तो दोस्तों, मुंबई ने इस खिलाड़ी को 2015 में खरीद के टीम में शामिल किए थे, लेकिन बैड लक की उनको अभी तक सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला है। 2019 के आईपीएल में मुंबई और पंजाब के एक मैच में रोहित शर्मा चोट के रहते हुए हिस्सा नहीं ले पाए थे, और उसी मैच में इस खिलाड़ी को खेलने का मौका मिला था और डेब्यू किए थे। तो अभी तक सिद्धेश लैड ने अपने पूरे आईपीएल करियर में सिर्फ एक ही मैच खेले और 15 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों, उनका T20 करियर उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने 38 T20 मैच खेले और 628 रन बनाए हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ये मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थोड़ा बहुत लेग स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं और अभी तक 18 विकेट चटकाए हैं। तो दोस्तों, मुंबई के टीम में उनको मौका नहीं मिला, लेकिन अब लग रहा है कि केकेआर टीम उनको इस साल के आईपीएल में खिलाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये खिलाड़ी इस साल के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के तरफ से खेल रहे हैं और काफी अच्छे फॉर्म में भी है। और एक मजे की बात भी है कि इस खिलाड़ी के नाम एक 5 विकेट हॉल भी है। तो केकेआर की टीम उनको सिर्फ बल्लेबाजी के रूप में नहीं, गेंदबाजी के रूप में भी खिलाने वाले हैं। तो केकेआर को इस सीजन में इस ट्रेड के जरिए एक ऑलराउंडर भी मिल गया, पर अब देखना पड़ेगा दिनेश कार्तिक एज ए कैप्टन इस खिलाड़ी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये था केकेआर के इस साल का फास्ट ट्रेड, और सिद्धेश लैड इस साल मुंबई में नहीं कोलकाता के तरफ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्या ये ट्रेड करके केकेआर ने सही किया या फिर नहीं। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक मार दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।